अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एट अ टाइम एक कंप्यूटर से एक ओबीएस स्टूडियो के थ्रू मल्टीपल पेजेस पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आप फेसबुक पेज का वॉच टाइम कम्प्लीट करते हो क्रिकेट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग करके, तो भाई ये वाला मेथड आपने लाजमी से फॉलो करना है। जितनी देर में आपका एक पेज का वॉच टाइम कम्प्लीट होता है, जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके के बाद आप मल्टीपल पेजेस का वॉच टाइम कम्प्लीट कर लोगे सेम टाइम में। मतलब कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है या एक लैपटॉप है, उसमें एक ही आपका ओबीएस स्टूडियो इंस्टॉल है, उसी एक ओबीएस स्टूडियो के थ्रू आप मल्टीपल पेजेस पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो एट अ टाइम। तो यह तरीका बहुत ज्यादा कमाल का है और ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो इस तरीके से बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं भी आपको एक कम्प्लीट तरीका बताने वाला हूँ, कितने एमबी के इंटरनेट पर आप कितने पेजेस चला सकते हो, सब चीजें गाइड करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। कल अपने चैनल पर मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू लाइव स्ट्रीम क्रिकेट मैच ऑन फेसबुक पेज फ्रॉम योर मोबाइल फोन। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप अपने सिंपल एंड्रॉइड मोबाइल से भी फेसबुक पेज पर क्रिकेट मैच या जो भी लाइव स्ट्रीम आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। कंप्लीट तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया, तो आप जाकर ये वाली वीडियो भी लाजमी से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आपने लाजमी से इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आ जाना है किसी ब्राउजर में। ब्राउजर में आने के बाद आपने गूगल में आना है। गूगल में आके आपने सर्च करना है OBS स्टूडियो RTMP प्लगइन, ठीक है। ये आपने सर्च कर लेना और आपने इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपल गो टू डाउनलोड पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको ये सेकंड वाला जो नजर आ रहा है OBS मल्टी RTMP विंडो इंस्टॉलर, ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और सिंपल अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं यहाँ से इसको क्या करूंगा, कैंसिल कर दूंगा। तो सिंपल हम चलते हैं डाउनलोड में। यहाँ से ये आपके प्रोग्राम में आएगा, कुछ इस तरह की आपको फाइल देखने को मिलेगी। अब आपने क्या करना है, अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में OBS स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में OBS स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास इंस्टॉल है यहाँ पर आपके सामने, ठीक है, ये मेरा OBS स्टूडियो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। जब आपका इंस्टॉल हो जाए फिर आपने क्या करना है, आपने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं पर इसको नो कर देता हूँ, सॉरी। अच्छा देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे, तो यहाँ पर इसने जो मेरे कंप्यूटर के अंदर OBS स्टूडियो इंस्टॉल है उसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है। कुछ भी नहीं आपने छेड़ना, सिंपल आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर ये मुझे एरर दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आपकी कंप्लीट हो जाए सिंपल आपने क्लोज पर क्लिक कर देना है और आपका ये प्लगइन आपके OBS स्टूडियो के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं OBS स्टूडियो ओपन करने लगा हूँ, बाकी का OBS स्टूडियो के अंदर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी फेस कैम की वीडियो है इसको बंद कर देता हूँ, बाकी की वीडियो आपको फेस कैम के बगैर देखने को मिलेगी। ऑलराइट, यहाँ पर जो मेरी फेस कैम की वीडियो वो बंद हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिंपल अपना OBS स्टूडियो ओपन करना है और आपको बताता हूँ कि वो वाला प्लगइन किस तरह वर्क करेगा। आपके सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन मिल रहे हैं फाइल एडिट व्यू एंड फोर्थ नंबर पर है डॉक्स। आपने इस पर डॉक्स पर क्लिक करना है और इसके ये लास्ट पर आपको मिल जाएगा मल्टीपल आउटपुट, ठीक है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और आपके सामने ये जो प्लगइन है इस तरह आपके सामने शो कर दिया जाएगा। अब आपने माउस का सर्कल लेकर आना है यहाँ नुक्कर पर और इसको इस तरह करके आपने बड़ा कर लेना है, ठीक है। अब बाकी का काम आता है लाइव स्ट्रीमिंग का। अब लाइव स्ट्रीम के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने मेन पेज पर पहले पेज को लाइव स्ट्रीम करना है, ठीक है। आपको सिखाता हूँ, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे सामने कुछ पेजेस मेरे ओपन है। अब याद रहे कि फेसबुक ने कुछ अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। अब तब तक आप अपने किसी भी पेज पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते जब तक आपके पेज पर 100 फॉलोअर्स नहीं है और आपका जो पेज है वो 60 डेज यानी कि 60 दिन पुराना नहीं है। जब तक ये दो आपके चीजें नहीं आपके पेज पर तब तक आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ये मेरा एक पेज है, इस पर मैं स्विच होता हूँ। अब देखें इसके जो फॉलोअर हैं यहाँ पर वो आपको नजर आ रहे होंगे 73 है। ये देखें यहाँ पर 73 फॉलोअर है। अब मैं इसकी लाइव वीडियो पर चलता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि वो मुझे दिखा रहा है कि आपका पेज जो है वो 60 डेज ओल्ड है बट आपके जो फॉलोअर्स हैं वो 100 नहीं है। मतलब कि ये वाला लाइव आने का ऑप्शन आपके पास एलिजिबल
नहीं है तो हम क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं। पहले क्या होता था कि आपने नया पेज क्रिएट किया, उसी टाइम आपने उस पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी। बट अब ऐसा नहीं होता, जब तक आपके 100 फॉलोअर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाओगे। मेरा जो दूसरा पेज है उस पर मेरे 100 फॉलोअर, देखिए यहाँ पर 300 फॉलोअर्स हैं, तो इस पर मैं लाइव स्ट्रीम इजीली कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं इस पर स्विच हो जाता हूँ और आपको डेमो करके दिखाता हूँ कि आप एक स्टूडियो OBS स्टूडियो के थ्रू मल्टीपल पेजेस पर किस तरह लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो जैसे हम लाइव वीडियो पर जाएंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास गो लाइव का ऑप्शन जो है वो एलिजिबल है। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्रिएट टेस्ट ब्रॉडकास्ट पर क्लिक कर दूंगा। जब आपने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करनी है तो आपने इसको इनेबल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट टेस्ट हो रहा है। जब आपने करनी है तो आपने इसको ऑफ रख के यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं डेमो ब्रॉडकास्ट करूंगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं गो लाइव पर जाता हूँ। गो लाइव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पर और यहाँ से आपको ये देखें स्ट्रीम की मिल रही है, सिंपल आपने इसको कॉपी करना है और आपने आ जाना है अपने OBS स्टूडियो में। उसके बाद आपने आना है सेटिंग पर। फिलहाल आपने इस प्लगइन को नहीं छेड़ना, पहले आपने इस सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद आपने सिंपल स्ट्रीम पर आना है और यहाँ से आपने फेसबुक लाइव को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपने स्ट्रीम की कॉपी फेसबुक पेज से वो सिंपल यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है एंड अप्लाई करके यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो उसका सोर्स आपने यहाँ पर रेडी कर लेना है। मैं यहाँ पर कुछ चला देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने एक वीडियो चला दी आपको दिखाने के लिए कि इस तरह आपका यहाँ पर जो मैच होगा वो चल रहा होगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जो स्ट्रीम किया वो पेस्ट कर दिया और अप्लाई भी कर दिया। अब क्या होगा, आपने सिंपल यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करना है और आपका जो पहला पेज होगा उस पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये लिखा रहा है कनेक्ट स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर आपके सामने देखें कनेक्ट वीडियो सोर्स, यानी कि आपकी जो लाइव स्ट्रीम है आपके OBS स्टूडियो से लाइव हो चुकी है। अब आप क्या करें, पहले पेज को यहाँ पर आप टाइटल वगैरह दे दें, जो भी आप देना चाहें, कोई अगर क्रिकेट मैच है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, सिंपल आपने क्या करना है सेव पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर जो कंप्लीट पोस्ट डिटेल भी हो चुकी है और यहाँ पर ये चेक भी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपल स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये मैंने आपके सामने डेमो ब्रॉडकास्ट करना था इसलिए यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट लिखा आ रहा है। जब आप रियल में करोगे तो यहाँ पर आपको गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा लाइक दिस। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पहले पेज पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया, ये आपकी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो कि वीडियो चल रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने नेक्स्ट पेज पर काम स्टार्ट करना है, यही वाली स्ट्रीम आपने अपने नेक्स्ट पेज पर भी करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी नेक्स्ट पेज पर आ जाना है, इसके फॉलोअर्स कंप्लीट है, यानी कि ये वाला पेज भी मेरा एलिजिबल है फॉर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, लाइव वीडियो पर चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये वाला ऑप्शन मुझे इस पेज पर भी आ रहा है, तो ये भी टेस्ट करूंगा मैं यहाँ पर। आपने जब करना है तो आपने यहाँ पर इस चीज को इनेबल नहीं करना, आपने सिंपल गो लाइव पर क्लिक करना है ताकि आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो पब्लिकली शो हो। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इनेबल कर देंगे और गो लाइव पर क्लिक करेंगे। अब याद रहे पहले पेज पर हमारी लाइव स्ट्रीम चल रही है, अब हम जितने भी पेज ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो इस मेथड के थ्रू, ठीक है। अब हम प्लगइन के थ्रू मल्टीपल पेजेस पर लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो सिंपल हम इसको यहाँ पर क्रॉस कर देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे एंड स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे अपने OBS स्टूडियो में। अब यहाँ पर अब प्लगइन का काम आ जाता है। अब प्लगइन में आपने क्या करना है, ऐड न्यू टारगेट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने RTMP को सिलेक्ट रखना है, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होगा आई थिंक सो। उसके बाद अगला काम आता है URL एंड स्ट्रीम की का। अब ये दूसरा पेज हमने ओपन किया, स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपको URL कहाँ से मिलेगा, एडवांस सेटिंग पर आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये आपको सर्वर URL मिल रहा है, ठीक है। आपने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने OBS स्टूडियो में आना है, यहाँ पर आपने वो URL पेस्ट कर देना है। उसके बाद स्ट्रीम की वो भी आपको यहीं से मिल जाएगी, ये देखें स्ट्रीम की आ गई, यहाँ से आपने इसको कॉपी किया, अगेन OBS स्टूडियो में आएंगे, यहाँ पर आके आपने वो स्ट्रीम की पेस्ट कर देनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपने सिंक स्टार्ट विद OBS ये आपने लाजमी से करना है ताकि जो सेटिंग पर ये वाली स्ट्रीम चल रही है वही वाली सेम सेटिंग पर हमारी दूसरे पेज पर भी चले। तो सिंपल यहाँ पर इसको चेक करके आपने ओके पर क्लिक करना है और आपके सामने देखें ये आपका न्यू टारगेट आ चुका है। अब कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो मॉडिफाई पर क्लिक करें, अगर आप स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहते हो तो सिंपल आपने क्या करना है, स्टार्ट पर आपने क्लिक कर देना है। देखें यहाँ पर कनेक्टिंग हो रही है, ये हमारा दूसरा पेज है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हम एक कंप्यूटर से एक OBS स्टूडियो से मल्टीपल फेसबुक पेजेस पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम जाकर कि वहाँ पर सोर्स कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कनेक्ट वीडियो सोर्स, ये देखें भाई यहाँ पर इस पेज पर भी हमारा जो
सोर्स है वो कनेक्ट हो चुका है। अब ये वाला पेज भी रेडी हो चुका है गो लाइव जाने के लिए, तो सिंपल आप इसमें भी टाइटल वगैरह ऐड कर दें, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें, डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद सिंपल आप इसको सेव करें और यहाँ से देखें आपको ये गो लाइव करने का ऑप्शन यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इसी तरह आप और पेज ऐड करना चाहते हो, सेम तरीके से आपने क्या करना है, ऐड न्यू टारगेट पर जाना है, सिंपल यहाँ पर आपने थर्ड पेज का URL जिस तरह भी हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट करना है, फिर उसके बाद स्ट्रीम की पेस्ट करनी है वहां से कॉपी करके, यहाँ से आपने फिर इसको चेक करके सिंपल ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसका न्यू लेयर मिल जाएगी और आपने वहां पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब बात करते हैं कि कितने इंटरनेट पर कितने पेजेस की लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए। अगर तो आपका 6 MB का इंटरनेट है ना, तो आप मैक्सिमम 2 पेजेस का सेम टाइम पर लाइव स्ट्रीम करें, ठीक है। अगर आपका 10 MB का इंटरनेट है तो आप मैक्सिमम 3 पेजेस पर लाइव स्ट्रीम चलाएं। अगर आपके पास 15 MB का इंटरनेट है तो आप मैक्सिमम 5 पेजेस पर एट अ टाइम लाइव स्ट्रीम करें। देखें यहाँ पर एक पेज हमारा तकरीबन 2.5 से 3 MB का इंटरनेट यूज कर रहा है, ठीक है। मेरा 15 MB का इंटरनेट है तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम 5 पेजेस पर लाइव स्ट्रीम इजीली कर सकता हूँ। अगर आप स्मूथ करना चाहें तो जितनी मैंने आपको बताया इससे ज्यादा पेजेस पर लाइव स्ट्रीम ना कीजिएगा, वरना क्या होगा कि आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो काफी ज्यादा लैग करेगी, इससे जो व्यूअर होते हैं वो आपकी लाइव स्ट्रीम को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये आ गया हमारा पहला पेज जो कि ये मशीन लिफ्ट के नाम से, इस पर भी लाइव स्ट्रीम चल रही है, और ये आ गया हमारा दूसरा पेज जिस पर भी लाइव स्ट्रीम हमारी चल रही है। इसी तरह आप जितने जाएं उतने पेजेस पर एट अ टाइम लाइव स्ट्रीम कर सकते हो और सेम टाइम पर आप अनलिमिटेड पेजेस का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ गाइज, आप हमारे इस फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ये आप लोगों के लिए ही मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें लोग क्या करते हैं, अपनी आके सर्विसेज वगैरह सेल आउट करते हैं। अगर आपको अपने किसी भी सर्विस के लिए क्लाइंट चाहिए तो आके आप हमारे इस ग्रुप के अंदर अपनी पोस्टिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देखें फेसबुक से रिलेटेड अगर आप ग्रुप रेंट पे देते हो या कुछ भी करते हो तो आप आकर इस ग्रुप के अंदर पोस्टिंग वगैरह कर सकते हो। इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाकर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।